ਸਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰ, ये चाहते हैं कि आतंक के आगे घुटने टेक दिए जाएं? क्या चार आतंकियों की वजह से जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, हमारी पगड़ी पे दाग लगाया, हमें हताहत किया, क्या उनकी वजह से देश का विकास होगा? क्या उनकी वजह से बाबा नानक की फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ेगी? क्या उनकी वजह से आप ये चाहते हो कि दो देशों के प्रधानमंत्रियों के निर्णय लिए हुए वो स्कटल हो जाएंगे? तो फिर आप उनको तूल दोगे? तो फिर आप बढ़ावा दोगे? इसीलिए यहां नवजोत सिंह सिद्धू पेश है कि ये देश का, इस सूबे का विकास कोई आतंकी गिरवी नहीं रखेगा। और ये जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, 70 साल देख लीजिए, क्या कोई ये दम रख के ये अनाउंसमेंट्स कर पाया है? एक एक देश को आतंकियों के आगे कोई झुका नहीं सकता, ये बात स्पष्ट है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ है, घुटने टेकने वाला नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको आज करना चाहता हूँ, मेरी बात जो होती है ना उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें से, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था आज भी वहीं खड़ा हूँ, कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है।